वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज डे टू। कल हम लोग आए, थक गए थे, खाए पिए और सो गए। सिर्फ खाए पिए ये कुछ नहीं। अभी बज रहे हैं कुछ 8:15 8:30 कुछ बज रहे हैं। आज का प्लान ऐसा है कि उदयपुर में रहने का है। पहले नाथद्वारा जाने का था इवनिंग में, बट ड्यू टू सम रीजंस हम लोग नाथद्वारा नहीं जा रहे हैं एंड पूरा दिन उदयपुर में है। आज का नाइट भी उदयपुर में है। कल मॉर्निंग हम लोग कहीं और जगह के लिए निकलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर निकलेंगे, बट आज का प्लान पूरा उदयपुर एक्सप्लोर करना है। हमें जो रूम मिला है वो ओयो रूम है, 1000 रुपीज़ पर नाइट दो लोगों के लिए है। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ इंक्लूडेड नहीं है तो, एंड रूम का व्यू बहुत अच्छा है। रूम का जो एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सिटी के एकदम सेंटर में है, दोनों जो लेक है पिचोला एंड फतेह सागर लेक, वो दोनों के बीचों बीच है एंड ज़्यादा भी कोई अंदर नहीं है। एंड जो बाजू में जो लोकेशन है दैट इज़ विक्रमगढ़, उसके बाजू में ये रूम है। वो ऊपर पीछे वाला, इसको सज्जनगढ़ भी बोलते हैं। ये जो पहाड़ सा गुब्बारा सा दिख रहा ना एक, ये वाला ये महाराणा प्रताप म्यूजियम है। ओके, इसी के नीचे एक्वेरियम बनी हुई है, अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम है जहाँ पर अभी होटल में ठहरे हुए हैं। उसके हम लोग टॉप व्यू में है, यहाँ से पूरा ऑलमोस्ट उदयपुर सिटी दिख रहा है। और यहाँ पर आप पीछे देखोगे ये जो जगह है जहाँ पर पत्थर डाले हुए, यहाँ पर एक होटल आने वाली है इन फ्यूचर, लेकिन उसको 4 से 5 साल लगेंगे। वो जो एकदम ऊपर है वो सनसेट पॉइंट है, उसको सज्जनगढ़ बोलते हैं। दिस इज फतेह सागर लेक पिचोला, वहाँ पर है रेडिसन ब्लू होटल, वो वहाँ पर एक म्यूजियम है, बाकी पूरा मंदिर वगैरह होटल से भरा हुआ। ये एरिया पूरा होटल से भरे हुए है एंड ये पूरा सेंटर में जगह है। एंड यहाँ के जो ओनर है उनको गाड़ियों का बहुत शौक है, उनको मिलाएंगे आपसे। उनका नाम रजनेश है। सो ये यहाँ के ओनर है रजनेश, एंड इन्होंने अच्छा हमें ऑफर दिया था। एंड इनकी जो गाड़ियों के कलेक्शन है, सर इसको कितने साल हो गए ये प्रॉपर्टी को? हमारे पास करीब हो गए हैं 40 to 50 years। 40 to 50 years इसको हो चुके हैं, बिल्कुल। एंड वी आर ग्लैड, वी आर ऑनर्ड कि हम लोग यहाँ पर रुके हैं एंड हमें मिल गया। हमने एक ही सर्च मारा था तो हमें टॉप पे यही मिला। एंड इनके पास गाड़ियों की कलेक्शन बहुत A1 है, मैं आपको उनके फुटेज दिखाऊंगा। कौन कौन सी गाड़ी है सर आपके पास? हमारे पास स्टैंडर्ड 10 है, जीप के 4 मॉडल है, मर्सिडीज है, 190 है, 160 है, एंड इतने सब है। इसकी अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं इनका नंबर दे दूंगा, अगर आपको उदयपुर में किसी भी शादी वगैरह में चाहिए रहेगा तो ये वो भी प्रोवाइड करते हैं। बाकी सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाविन और यश देख रहे हो, चेतक अपने पास भी है। सब पुरानी गाड़ियों के कलेक्शन है वो इनके पास है। आप उदयपुर आओ तो यहाँ पर स्टे करो, अच्छा लगेगा आपको एंड बहुत ही हेल्पिंग नेचर है। सो फार इट इज गोइंग गुड एंड लेट्स सी आगे किधर हम लोग निकलते हैं। रौनक हेलमेट कंपलसरी है इधर भी? हेलमेट पहनना पड़ेगा यहाँ पर भी। चलो हेलमेट पहनना जरूरी है। लेक पिचोला है, थोड़ा गंदा है ये वाला, इतना अच्छा नहीं है, उससे बेटर फतेह सागर लेक है। हाँ। देखो हालत देखो
एंड सिटी पैलेस का जो एंट्री है 300 पर पर्सन है, हमने वो भी ले ली है। लेकिन कुछ भूख लगी थी तो थोड़ा निकल के, ये दिख रहा है वो एंट्री है सिटी पैलेस का और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। सो भूख लगी है सो कुछ ब्रेकफास्ट करके सिटी पैलेस जाएंगे। मिलते हैं सिटी पैलेस के अंदर। बाबा जी का घंटा, मेरा बाजू हट, क्या लिखा हुआ है दिखा तो सही, दिखा ना। माय ब्रो वाज इन लद्दाख एंड ऑल आई गॉट वाज दिस लूजी टी शर्ट। तो ये जो टी शर्ट है मैं इसके लिए लेकर आया था जब मैं जुलाई 2018 में लद्दाख गया था, तभी कुछ मिला नहीं तो यही लेकर आ गया। नहीं तो क्या लाता भाई, बर्फ लाता क्या? बर्फ था ही नहीं वहाँ पर, हम लोग गए थे उसके कुछ टाइम बाद में बर्फ। ये एंजॉय करो तब तक। दिस इज फतेह सागर लेक, वो दिख रहा है वो, दैट इज सज्जनगढ़ फोर्ट जहाँ पर अपन जाने वाले हैं फॉर सनसेट व्यू। जो टब है इज मेड फ्रॉम वन सिंगल मार्बल। जो भी आपने विंडो देखा वहाँ पर आपका दिल करेगा कि बस बैठे रहो, इतनी अच्छी हवा आ रही है। एंड जो व्हाइट वाला जो पूरा महल देखा था, जग मंदिर, वो लेक के एकदम सेंटर में है एंड वहाँ पर अगर पहुँचना है तो यू कैन गो बाय फेरी और बोट। फिर जितने भी सामान यूटेंसिल्स जितने भी पड़े हुए हैं वो सब जब ये एग्जिस्टेंस में था तब वहाँ के हैं एंड ये अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं, जस्ट मेंटेन्ड है, इट्स ऑल एसेट्स। हमारा जो सिटी पैलेस का जो टूर है वो ख़त्म हो गया, करीबन 2 से 2.5 घंटे लगे हमें पूरा कंप्लीट करने के लिए। कैसा लगा? पैर दुखे यार, इसके पैर दुखे बट इट फील्स प्राउड कि ये सब जो है एसेट्स है इंडिया के। सो थम्स अप टू ऑल दिस पीपल जो मेंटेन करते इसे। हमने पानी पूरी खा ली है एंड एक गन्ने का जूस पी लिया तो पेट पूरा फुल हो चुका है।